हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपकी फेवरेट वाली मिठाई बनाऊंगी, जिसमें मैंने एक ग्लास दूध डाला है। 99% लोग इस मिठाई को पसंद करते हैं। ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई है। चलिए देखते हैं। मैंने एक ग्लास दूध का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह उबलने देना है। जो इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अगर मिश्री ना हो तो आप इसकी जगह शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ एक बाउल काजू का इस्तेमाल किया है, लगभग 100 ग्राम से थोड़े कम है, और एक बाउल नारियल पाउडर लिया है। अगर आप नारियल नहीं डालना चाहते तो काजू डबल कर लें। फिर इसे बारीक पीस लेना है। मैंने इसे थोड़ा रुक रुक कर ही पीसा है ताकि तेल रिलीज ना हो। ये अच्छी तरह पीस चुके हैं। इसे छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसे दूध में डालते हुए मिक्स कर लेना है। मिक्सी जार में थोड़े चिपक गए थे, इसलिए मैंने दोबारा डाला है। इसे तब तक पकाएं जब तक आटे की डो की तरह ना हो जाए। इसे पकाने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाएंगे। त्यौहार आ रहे हैं तो मिठाई बनाना तो बनता है। बाज़ार में तो सभी मिठाइयाँ महंगी ही होती है। इसे डो की तरह बनने में 4 से 5 मिनट और लगेंगे। मैंने यहाँ हरी इलायची के पाउडर डाल दिया है। ये लगभग हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, ये परफेक्ट बने हैं। देखने में बिल्कुल आटे की डो की तरह लग रहे हैं। प्लेट में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है, फिर इसे लंबे आकार में रोल किया है। बाजार की तरह मिठाई दिखने के लिए मैंने चांदी वर्क का इस्तेमाल किया है। ये मैंने चांदी वर्क लगा दिया है। फिर इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है। थोड़ा हार्ड हो जाए उसके बाद ही इसे कट करना है। इसे काटने के लिए तेज धार वाली चाकू का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसानी से कट हो जा रहे हैं। मैंने सारे मिठाई को कट कर लिया है। ये मिठाई थोड़ा और सुंदर दिखे, इसके लिए मैंने जैम का इस्तेमाल किया है, फ्रूट्स जैम। तो आपको ये मिठाई कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। ये मिठाई जितने देखने में सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। ये इतने सॉफ्ट हैं जो मुंह में जाते ही घुल जाए।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।